friends, welcome to Journey Together channel. This is Divendu. Get ready to dive into the world of taste. Today, can you guess what we will make today? आज मेरा उत्तपम खाने का मन कर रहा है, तो चलिए आज बनाते हैं उत्तपम. सो फ्रेंड्स, ये सभी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे सूजी का उत्तपम बनाने के लिए. इसे रवा उत्तपम भी कहते हैं. सबसे पहले हम लेंगे डेढ़ कप सूजी, 150 ग्राम सूजी, और आधा कप दही, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार और रिफाइंड ऑयल 4 चम्मच. तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं सूजी और दही का. बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ध्यान रखना है कि वो रखनी है बैटर की कंसिस्टेंसी हमें मिक्स्ड रखनी है. न तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए. अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हिलाएंगे. सो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी लगभग ये रहेगी. आप अच्छे से देख सकते हैं हम जितना इसमें पानी ऐड करके और इस तरीके की कंसिस्टेंसी बैटर की रखेंगे और इसको 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे. 10-15 मिनट रखने के बाद में बैटर आपका अच्छा ठीक हो गया है. थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेंगे और फिर हम तवा रखेंगे गैस पे. तवे में हम तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच. अच्छे से उसे स्प्रेड कर देंगे. नमक के स्वादानुसार ऐड कर लो. तेल गर्म होने के बाद में इसे हम तवे पे स्प्रेड करेंगे. साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, हम छोटी ही साइज रख रहे हैं. उसके बाद में इसके ऊपर प्याज स्प्रेड करेंगे. प्याज डालने के बाद में हम लोग थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा टमाटर इसके ऊपर डालेंगे. नमक हमने पहले से ही इसमें डाल दिया है. अब उसे हल्का हल्का सा दबाएंगे. नमक थोड़ा सा आप डाल सकते हैं. हरी मिर्च की जगह यदि आप हरी मिर्च यूज़ नहीं करना चाहें तो आप लाल मिर्च भी इसमें यूज कर सकते हैं. और इसे थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छे से इस बैटर में वेजिटेबल्स मिक्स हो जाए और कुछ देर के लिए इसको रख दें. जब कॉर्नर से जब अच्छा सा सिका हुआ नज़र आ जाए तो इसे पलट दीजिएगा और इसे इस तरीके से पलट करके लो. नीचे से काफ़ी अच्छा सिक चुका है. इस तरह पलटने के बाद में ये पूरा अच्छे से सिक चुका है. इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉस के साथ और बहुत अच्छा रवा उत्तपम बन के तैयार है. इसकी एक और दूसरी विधि और है. उस मेथड के अनुसार हम लोग सभी वेजिटेबल्स को बैटर में मिक्स पहले ही मिक्स कर लेते हैं. हम लोग वैसे घर में यही मेथड यूज़ करते हैं. प्याज, टमाटर, मिर्ची, नमक सभी एक साथ बैटर में मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद सीधा इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में तवे पे स्प्रेड करेंगे. तवे पे तेल हम लोग स्प्रेड करने के बाद में इस तरीके से उसे तवे पे स्प्रेड कर देंगे और उसके चारों तरफ ऑयल हम लोग डाल देंगे. कुछ देर बाद में इसे पलट लेंगे हम. देखिए आप पलटने के बाद नीचे से काफ़ी अच्छी तरीके से सिक चुका है. थोड़ा सा यदि आप डालना चाहें तो कुछ ऑयल और स्प्रेड कर सकते हैं.
ऑयल ज़्यादा यूज़ की ज़रूरत नहीं है वैसे, और अच्छे से इसे रख देंगे इस तरीके से। जब अच्छे से चारों तरफ से ये सिक जाए तो ये पूरा अच्छे से आप इसे पलट भी सकते हैं, और ये अच्छे से प्रिपेयर। इसके अंदर इसमें आपको ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सारे वेजिटेबल्स बैटर में मिक्स कर दिए। लुक एट दैट, यू कैन एन्जॉय दिस मील विद द सॉस और एनी चटनी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।